यूएससीपीए की फीस क्या होती है सर? ये सवाल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं और बहुत सारे बच्चे इस डिटेल को जानना चाहते हैं। अगर ये सवाल आपको भी परेशान कर रहा है तो फटाफट से इधर आ जाओ, बिकॉज ये वीडियो पक्का से आपके लिए ही बना है। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दीज इंफॉर्मेटिव वीडियोस इन रिलेशन टू यूएससीपीए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक का बटन भी दबा देना। एंड आई एम श्योर आप दबाओगे ही, बिकॉज अंत तक आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अच्छा बच्चे, अब बात करते हैं कि यूएससीपीए की सर फीस होती क्या है, थोड़ा डिटेल में समझाओ सर। देखो बच्चे, कोई भी क्वालिफिकेशन शुरू करने से पहले ना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जान लेना कि इसमें आपका खर्चा क्या होने वाला है। और यूएससीपीए में ना खर्चा डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होता है और डिपेंडेंट होता है आप किस स्टेट से पेपर दे रहे हो उसके ऊपर। तो इट इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि हम समझें कि हमारे को अप्रॉक्सीमेटली कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, कितना पैसा खर्चना पड़ेगा। एंड दैट इज द रीजन वी थॉट दैट लेट्स मेक एन एवरेज कॉस्ट काइंड ऑफ ए वीडियो फॉर यू, बिकॉज थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेट में जाके एग्जाम देने वाले हो। सबसे पहली चीज जो बच्चे आपको करनी होती है ना यूएससीपीए को शुरू करने के लिए, वो करनी होती है बच्चे कि आपको अपना इवैल्यूएशन कराना होता है। एक तो होता है बच्चे प्री इवैल्यूएशन जो फिनट्रैम आपको करके देगा ही, इन टर्म्स ऑफ यू नो रियली मेकिंग यू इक्विप्ड एंड ऑफ कोर्स अवेयर कि आप यूएससीपीए के लिए क्वालिफाई करते हो या नहीं। तो हम आपके क्रेडेंशियल्स देंगे, असेस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन आर एक्सपीरियंसेस, हमारी एक्सपीरियंस टीम उसको असेस करेगी और आपको बताएगी कि हाँ आप एलिजिबल हो, गो फॉरवर्ड एंड अप्लाई टू दिस स्टेट या दीज मेनी स्टेट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो तो हम आपको क्रेक करके ही देंगे और यू नो फॉर दैट यू नो फिनट्रैम डजंट चार्ज एनीथिंग, सो वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट आपके क्रेडेंशियल्स को ना नाज़बा जो कि एक यू नो यूएस की अकाउंटिंग जो यूएस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, आपके क्रेडेंशियल्स को उससे इवैल्यूएट कराना होता है, बिकॉज वो इवैल्यूएशन ही एक्सेप्टेबल है फॉर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ यू गेटिंग एलिजिबल टू बी अपियरिंग फॉर द एग्जाम। तो आपके क्रेडेंशियल्स को नाज़बा इवैल्यूएट करता है कि हाँ आप किस स्टेट से एग्जाम दे सकते हो। इस इवैल्यूएशन की जो फीस है ना बच्चे, वो अप्रॉक्सीमेटली $225 से $300 के बीच में आती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कहां से इवैल्यूएशन करा रहे हो। अप्रॉक्सीमेटली लेके चलते हैं $250 to $225 के करीब आपका खर्चा आता है। अगर मैं इसको 80 से मल्टीप्लाई करूं तो अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल सकता हूं मेरा ₹20,000 के करीब खर्चा आता है इवैल्यूएशन के ऊपर, जो कि मुझे करना पड़ता है एज ए स्टार्टिंग पॉइंट जब मैं यू नो सोचता हूं कि मुझे अब सीपीए देना है। चलो सर ये तो पहली कॉस्ट हो गई, समझ में आ गया। इसके बाद जब आपने इवैल्यूएशन करा लिया बच्चे, अब आता है कि यू नो नाउ इज द टाइम व्हेन यू वुड यू नो आपको पता है आपने एक्स वाई जी स्टेट से एग्जाम देना है, अब आपने यू नो यू हैव टू रियली गो फॉरवर्ड एंड लुक फॉर कि मुझे एग्जामिनेशन फीस देनी है सर। एग्जामिनेशन फीस अप्रॉक्सीमेटली $225 to $250 के बीच में है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। तो चार एग्जाम जो कि बीसी, ऑडिट, फार और रेगुलेशन है, ये चार एग्जाम की जो फीस है वो अप्रॉक्सीमेटली $1,000 होने वाली है। एंड ऑफकोर्स अगर आपको सीपीए के कोर्स स्ट्रक्चर को डिटेल से समझना है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, तो आप उसको आई बटन में देख सकते हो। वो वीडियो मैं यहीं पे हैंडी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप तक वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रेडिली अवेलेबल हो। चलो सर ये समझ में आ गया। सर एग्जामिनेशन फीस की बात कर रहे थे हम, जो अप्रॉक्सीमेटली $250 सर पर एग्जाम है, तो $1,000 हो गए सर यू नो मेरे चारों एग्जाम्स के। तो सर इफेक्टिवली 1000 को अगर मैं यू नो लेट्स से मैं 80 से मल्टीप्लाई करता हूं तो लगभग ₹80,000 का खर्चा आएगा आपका इन दी एग्जाम फीस, यू नो जो आपको पेपर देने के लिए देनी है। या आप टुकड़ों में भी दे सकते हो डिपेंडिंग अपॉन, बिकॉज आप एक एग्जाम एक टाइम पे दोगे तो आप एक एग्जाम फीस की ही यू नो उस समय अमाउंट जमा कराओगे, बार बार आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जब मैं एग्जाम फीस जमा कराने जाता हूं तो मुझे टेस्टिंग फीस देनी पड़ती है बच्चे, क्योंकि पहले जब मैं अपने टाइम की बात करूं तो हम एग्जाम देते थे बच्चे यूएस में, मैंने तो एग्जाम यूएस में दिया था सीपीए का। अब एग्जाम होते हैं इंडिया में, बट इंडिया में एग्जाम देने के लिए उन्होंने एक टेस्टिंग फीस लगा दी है कि आपको टेस्टिंग फीस देनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज कि एग्जाम आउट ऑफ यूएस ज्यूरिसडिक्शन हो रहा है। वो जो फीस है अप्रॉक्सीमेटली मैं बात करूं आज के रेट में तो $1,500 के करीब है। तो $1,500 इंटू में मैं अगर 80 करता हूं तो ₹1,20,000 हो जाते हैं। तो तीसरी तरह की फीस होगी बच्चे, एक हो गया आपकी इवैल्यूएशन फीस, एक हो गया आपकी एग्जामिनेशन फीस, एक हो गया आपकी टेस्टिंग फीस। एक चौथी फीस है बच्चे, वो है आपकी रजिस्ट्रेशन फी कह लो या एप्लीकेशन फी कह लो, जस्ट टू इंश्योर दैट यस यू आर नाउ गिविंग द एग्जाम। तो एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एक एप्लीकेशन फीस देनी होती है, वो होती है अप्रॉक्सीमेटली $250। मैं अगर इसको भी लेट्स से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 80 से
तो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपए के करीब ये भी हो जाते हैं। अगर मैं इन सबको टोटल करूं बच्चे की, यू नो लेट से 20,000 ऑफ एप्लीकेशन फी, लेट से 20,000 ऑफ इवेल्युएशन फीस, लेट से 80,000 रुपीज ऑफ एग्जाम फीस एंड लेट से 1,20,000 रुपीज ऑफ इंटरनेशनल टेस्टिंग फीस, मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ बच्चे, तो करीबन 2.5 लाख रुपए के करीब खर्चा बैठता है बच्चे ये सारी फीसिस का टोटल अगर मैं कर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ यू नो कि मुझे कितना एक्सपेंस देना पड़ेगा एज फार एज द एग्जाम ऑफ द यूएससीपीए इज कंसर्न। इसके ऊपर नंबर बच्चे आपको जो खर्चा देना होता है वो देना होता है आपकी प्रिपरेशन फीस, क्योंकि आप सीपीए की तैयारी भी करोगे, कहीं से पढ़ोगे भी उसको, एंड ऑफ कोर्स यू विल कम टू फिनट्रैम एंड फिनट्रैम विल रियली हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ यू नो रियली गोइंग थ्रू द कंटेंट, नोइंग द कंटेंट एंड अपीयर फॉर द एग्जाम एंड ऑफ कोर्स किल द एग्जाम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जो वो फीस है बच्चे वो ऑफ कोर्स यू नो आपको ट्यूशन फीस देनी होती है इन टर्म्स ऑफ यू नो दिस यू नो एज ए करिकुलम, सीपीए एज ए करिकुलम एंड ऑफ कोर्स यू नो यू कैन रीच आउट टू फिनट्रैम एंड नो कैन रियली रियली हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ यू नो going forward with that and you know start your journey of CPA as soon as possible. वो fees approximately I would say 1,00,000 रुपए के करीब होती है बच्चे in terms of Indian currency and you know it varies depending upon the GST rate, dollar rate and so on so forth. So approximate बात करें तो let's say 2,40,000 plus you know 1 से 1,10,000 के बीच में अगर मैं total out करता हूँ तो let's say 3.5 lakhs के बीच में बच्चे मेरा total expense पड़ता है CPA करने का। बस सर सिर्फ 3,50,000 रुपए लगते हैं सर इंडिया में सीपीए करने के। हाँ बेटे सिर्फ 3,50,000 रुपए ही लगते हैं सीपीए करने के। यही एक ऐसी चीज है बच्चे जो बहुत लोगों के मन में ना घर करके बैठी होती है कि नहीं सर बहुत महंगा होने वाला है सर यूएस की क्वालिफिकेशन है। नहीं बच्चे ऐसा नहीं है, इतनी महंगी क्वालिफिकेशन नहीं है। यू नो गॉन अदर डेज जब आपको यूएस जाना होता था, ट्रैवल कॉस्ट इनकर करनी होती थी, रहने का खर्चा देना होता था, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहीं बैठ के करोगे और इतने ही पैसे में इसको ढंग से क्वालिफाई करके बाहर आ जाओगे। Isn't that a great news? Yes, sir. हम और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे बच्चे यूएससीपीए के ऊपर जहां हम आपको और डिटेल दे सकें जो आपके लिए रिलेवेंट है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ नोइंग एंड अपियरिंग फॉर द यूएससीपीए एग्जाम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। रिमेंबर फिनट्रैम वुड सर्टनली हेल्प यू इन ऑल ऑफ योर I would say perspectives and in the overall journey of clearing the US CPA in the best possible way because CPA bole to FinTram. I look forward my friend to many more of these videos. Subscribe to our channel FinTram Global and we'll be more than happy to share these videos in the best possible way with you. I look forward to the next one. Till then this is Pankaj Dhingra signing off.